blue corner notice has already been issued. We will see, you know, they will locate him wherever he is. And after that, they procedurally, whatever required. सेक्स स्कैंडल में फंसे सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। कॉर्नर सरकार में गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि प्रज्वल के देश छोड़ने की खबर के बाद उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। उसे भारत वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। इंटरपोल सभी देशों का सूचित करेगा और उसका पता लगाएगा। दरअसल किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, जगह या उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया जाता है। इस नोटिस के जरिए इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन बॉडी द्वारा अपने सदस्य देशों से अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करती है। ये भी एक तरह से फरार और संदिग्ध अपराध के बारे में जांच पड़ताल या तलाश करने संबंधी नोटिस ही है। लेकिन इंटरपोल के सदस्य देश इस तरह के नोटिस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उन्हें मांगी गई वो जानकारी देनी होती है जो उनके पास हो। बता दें कि प्रज्वल कर्नाटक की हासन सीट से सांसद हैं और इस बार वो JDS BJP अलायंस का उम्मीदवार था। और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग हो गई है। उसके अगले दिन यानी 27 अप्रैल को प्रज्वल राजनयिक पासपोर्ट की मदद से जर्मनी भाग गया। कर्नाटक में 24 अप्रैल से प्रज्वल से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहे हैं। चुनाव के बीच मामला गरमाया है तो कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल को वापस भारत लाने के लिए केंद्र सरकार से मदद का आग्रह किया। प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की भी मांग की गई है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद अब ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि नोटिस के बाद प्रज्वल के बारे में इंटरपोल जानकारी जुटाएगा। दरअसल ब्लू कॉर्नर नोटिस एक तरह का अलर्ट है जिसका उपयोग इंटरपोल द्वारा वांछित व्यक्तियों या अपराधों के बारे में वैश्विक स्तर पर जानकारी साझा करने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम देशों की सीमाओं के पार होने वाली आपराधिक गतिविधियों से निपटने में सहायता के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं और अनुरोधों का आदान प्रदान करने में मदद करता है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। सामान्य तौर पर ब्लू कॉर्नर नोटिस आपराधिक आरोप दायर होने से पहले या उसके ठीक बाद जारी किए जाते हैं, जबकि रेड नोटिस के जरिए किसी भगोड़े की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। आमतौर पर आपराधिक सजा के बाद ये नोटिस जारी किया जाता है। वर्तमान में प्रज्वल के खिलाफ जांच एजेंसियां अलर्ट हैं और ज़्यादा जानकारी एकत्रित करने की कोशिश कर रही हैं। पूछताछ को आगे बढ़ाने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस की मदद ली है। JDS के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते 33 वर्षीय प्रज्वल से जुड़े कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो सामने आए हैं। आरोप है कि इन वीडियो में प्रज्वल घर में काम करने वाली महिलाओं के साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो अब तक की कई महिलाओं से यौन शोषण कर चुका है। राज्य सरकार ने यौन शोषण के आरोप की जाँच के लिए विशेष जाँच दल यानी SIT का गठन किया है। इस बीच 5 अप्रैल को प्रज्वल के पिता और विधायक HD रेवन्या को एक महिला के कथित अपहरण और अवैध रूप से बंधक बनाने के मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने 8 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पीड़ित महिला 3 बच्चों की मां है। रेवन्ना को SIT ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। नागलक्ष्मी चौधरी ने सरकार से SIT की सिफारिश की थी। यौन शोषण के आरोप के सिलसिले में HD रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई हैं। हाले नारा सिपुरा थाने में रेवन्ना की मेड और रिश्तेदार ने शिकायत दर्ज करवाई है कि दोनों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। CID बेंगलुरु द्वारा शिकायत दर्ज की गई। इसमें एक JDS की महिला नेता ने प्रज्वल पर गन पॉइंट पर उसके साथ बलात्कार करने, घटना के वीडियोग्राफी करने और फिर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। तीसरी शिकायत HD रेवन्ना के खिलाफ एक महिला के अपहरण और अवैध हिरासत से संबंधित है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने से पहले रेवन्ना ने आरोपों को फर्जी बताया है और पूरे घटनाक्रम को एक साजिश का हिस्सा होने का दावा किया है। रेवन्ना का कहना था कि 2 मई की शिकायत से संबंधित कोई सबूत नहीं है, ये एक बड़ी राजनीतिक साजिश है, मेरे खिलाफ एक साजिश रची गई है। कांग्रेस ने 5 मई को एक बार फिर इस मुद्दे पर BJP पर निशाना साधा और कहा कि हम तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कि प्रज्वल को भारत वापस नहीं लाया जाता है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस प्रमुख अलका लामा ने मामले में चुप्पी साधे रखने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर हमला किया है।
नामा ने कहा, आज देश की आधी आबादी मांग कर रही है कि स्मृति ईरानी और रेखा शर्मा अपनी चुप्पी तोड़ें। लांबा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले पर चिंता जताई है और राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। तो इसी तरह की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।